गुजरातील प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयाच्या वतीने महाशिवरात्री निमित्त भव्य शोभायात्रा काढण्यात आली. ही शोभायात्रा विजय कॉलनी येथून रुक्मिणीनगर, जयस्तंभ चौक, राजकमल चौक, राजापेट मार्गे गणेश कॉलनीच्या ग्राउंडवर पोहोचली. येथे या शोभायात्रेचं समापन झालं. गणेश कॉलनी येथे प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यांच्या कार्यात 15 वर्षापासून समाविष्ट झालेल्या सीता दीदी यांनी उपस्थितांना ब्रह्मकुमारीचा संदेश दिला. प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आयोजक अमरावती विश्व शांती रैली का एक आयोजन किया है. ये विश्व शांति रैली जन जन को एक संदेश दे रही है कि सारे विश्व में पुनः हमें शांति स्थापन करने के लिए सब धर्मों को, सब भाषाओं को, सब वर्गों को भूलते हुए एक अपने आप को उस परम पिता परमात्मा की संतान समझकर अपने जीवन को उस ईश्वर के द्वारा ईश्वरीय शक्ति प्राप्त कर अपना जीवन एक श्रेष्ठ, सुसंस्कारित और श्रेष्ठ बनाएं, यही इस रैली का उद्देश्य है. इस रैली के अंदर में सर्वधर्म समभाव, सबका मालिक एक, सभी धर्मों की आत्माओं को एक साथ एक झंडे के नीचे लाकर सारे संसार को एक श्रेष्ठ मार्गदर्शन देने का ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय कार्य कर रहा. इसलिए इस विद्यालय के अंतर्गत 140 देशों के साथ साथ भारत के भी कोने कोने में ये विद्यालय ये कार्य कर रहा, ताकि समाज से जो कुछ कुरीतियाँ है, जीवन के अंदर में जो अशांति है, जीवन एक दुखद बन चुका है, पुनश्च यह संसार एक सुखमय संसार बने, चारित्र्य संपन्न बने, आज मूल्यों से सुशोभित बने, यही इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की सभी को इस महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में शुभ भावना और शुभकामना है. ओम शांति शांति शांति. यावेळी प्रभागातील नगरसेवक अजय सारस्कर, विलास इंगोले, सुनंदा खरड, माजी नगरसेवक मिलिंद बांबल, PI दुर्गेश तिवारी यांच्यासह परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रेक्षकांनो, बातमीपत्रात वेळ झाली आहे.